और जल्दी से एक बार मैं आपको खेल के दिखाया था यार। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रतीक व्यास प्राइस वाले, और आपको पता है हम लोग बात करने वाले हैं आरओजी फोन 5 के बारे में। तो यू नो, इस वीडियो में आपको जो ये फ़ोन है इसके बारे में तो बताऊंगा, इसके जो बॉक्स कंटेंट है उसके बारे में भी मैं बताऊंगा, साथ में जो उसके यू नो गेम जीनी है, फिर उसके जो यहाँ पर एयर ट्रिगर्स हैं उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, इसके जो बाकी के फीचर्स हैं आर्मरी वगैरह जो भी है सबके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो काफ़ी लंबा वीडियो होने वाला है, तो आप टाइम स्टैम्प्स को भी फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा आपको सबसे पहले मैं बॉक्स के बारे में ही बता देता हूँ। तो आप जैसे ही इसे ओपन करोगे यार, आप देखो ओपन करते से ही आपको ना पूरी एकदम यू नो गेमिंग वाली फील आने लग जाएगी। गेमिंग फ़ोन है ये, हम सभी को पता है, और यहाँ से आप इसे हटाओगे तो बाकी की भी चीज़ें इसके अंदर आपको कुछ कुछ मिलेंगी, जिसके बारे में डेफिनेटली मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अभी इसको यू नो मैं यहाँ पर ऐसे रख देता हूँ ताकि आपको ये दिखता रहे, और सीधे आ जाते हैं फ़ोन पे। तो मैं स्टार्टिंग में ना आपको एक बहुत छोटी सी बात बताना चाहूँगा कि जो एसुस है, आरओजी वाले हैं, उन्होंने हमें स्पेशली बोला है कि यार ये जो आपके पास फ़ोन है ये अभी यू नो एकदम प्रॉपर सॉफ्टवेयर के साथ नहीं आया, तो किसी भी टाइप का कोई बेंचमार्क टेस्ट या बैटरी टेस्ट या और कोई मेजर टेस्ट ना करो, क्योंकि जो उसके लिए रिव्यू यूनिट हमें अलग से मिलेगी। तो ये जो वीडियो है इसके अंदर आपको ऑफकोर्स मैं यू नो इसके सारे जो गेमिंग फीचर्स हैं या थोड़ा बहुत जो गेम प्ले वगैरह उसके बारे में तो बताऊंगा ही, साथ में इसके जो कैमरा हो गया पूरा इन डेप्थ उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं यू नो सबसे पहले इसकी रैम से। तो यार एक देखो आपको यू नो एक गेमिंग फ़ोन में कितनी 6 GB की, 8 GB की, 12 GB की, 16 GB की, कितनी रैम चलेगी? ये जो फ़ोन मेरे हाथ में इसमें ना 16 GB की रैम है। हाँ जी, 16 GB तो ये है, और इसका अगर आपको कहीं गलती से ये भी कम पड़ गई ना, अगर मतलब वैसे ये कम पड़ने नहीं वाली, लेकिन अगर पड़ गई तो आपके पास 18 GB वाला भी एक यू नो रैम का ऑप्शन है, और अलग अलग स्टोरेज ऑप्शंस भी हैं, 128 यू नो 256 512 बहुत सारे, ये सारे रहेंगी, आप कौन सा यू नो जो वेरियंट ले रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। आगे डिस्प्ले पे आप आ जाओ तो यार इसमें आपको मिलता है 6.78 इंच का HDR+ 144Hz स्क्रीन रिफ्रेश वाला AMOLED डिस्प्ले। यार आप देख रहे हो मतलब एकदम यू नो बोले ना कि देखो मतलब 16 GB रैम, AMOLED डिस्प्ले, HDR10 वाला, अभी हम लोग यू नो आगे इसके डिस्प्ले में और भी बात करेंगे। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं या तीनों चीज़ें मैंने आपको बता दी है, सबसे फाड़ या बोले कि एकदम सुन के यू नो आपको लग जाएगा कि भाई हो क्या रहा है, इसके अंदर आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का 888 प्रोसेसर, 16 GB की रैम, कहीं गलती से कम पड़ गई डिस्प्ले यू नो AMOLED डिस्प्ले में आपको कुछ मज़ा नहीं आया HDR10+ जो है, तो भैया स्नैपड्रैगन 888 भी है, मतलब कहीं से कहीं तक ना पीछे हो नहीं रहा है। अब आप बोलोगे यार कि देखो बैटरी की क्या हालचाल है, तो मैं भी बता दूं भाई 6000mAh की बैटरी है जो कि 65W के हाइपर चार्जिंग के साथ है। तो देखो नो डाउट लोडेड फ़ोन है, आप देख सकते हो यहाँ पर, अभी तो मैं आपको स्पेक्स ही बता रहा हूँ, आगे फीचर्स बताऊँगा तो और आप लोग की यू नो हो ही जाएगी, हाँ समझ गए आप। तो वो है इसमें आपको पीछे यहाँ पर कैमरा मिल जाएगा, देखो 64, 13 और 5 MP का है, आगे यहाँ पर 24 MP का कैमरा है, 8K वीडियोज़ भी आप इससे रिकॉर्ड कर सकते हो, ये वाली बात है, और एंड्रॉयड 11 आपको इसमें मिलता है। तो यार देखो ये मैंने आपको इसके सारे यू नो स्पेक्स बता दिए। अब गेमिंग फ़ोन है तो सीधे यार सबसे पहले हम लोग ना गेमिंग से इसकी शुरुआत करते हैं। तो यार देखो स्टार्टिंग में बता दूं कि ये एकदम प्रॉपर गेम प्ले नहीं है, क्योंकि एसुस वालों ने मना किया है। मैंने एयर ट्रिगर देखो यहाँ पर ऊपर वाली साइड पर मैंने ऑलरेडी यू नो ये सेट करके रखें, गेम तो हम बाद में खेल लेंगे, पहले आप ये देखो यार, मतलब आप देख रहे हो मैं इतने आराम से बस ये, और आप इनकी सेंसिटिविटी जो है ना वो भी आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, और जो सा बटन आपको रखना है ऐसा नहीं है जो कि यही वाले दो होंगे, तो ऐसा है यार आप देखो ये आप देख रहे हो मतलब बस ये। तो यहाँ पर आप आओगे तो यार देखो गेम जीनी आ गया, जिसके बारे में मैंने आपको बोला था कि मैं आपको बताऊंगा, तो यहीं से शुरुआत करते हैं। आप देखो यहाँ पर आपको FPS भी दिखा रहा है, 60 FPS, 59 जो भी चेंज होगा, यहाँ पर आपको टेम्परेचर भी देखने को मिलेगा, मैं और थोड़ा सा पास कर देता हूँ। साथ में यहाँ पर आपको रिफ्रेश रेट है स्क्रीन का, ये मैंने 144 पे ऑलरेडी सेट करके रखा है जो मैंने आपको बताया था, और ये एयर ट्रिगर की सेटिंग्स हैं, यहाँ पर मोशन कंट्रोल है, और यू नो अगर आपने कूलर यानी कि पीछे जो लगा के रखा है तो उसके ऊपर भी दो बटन्स होते हैं, उसको भी आप यहाँ से कर सकते हो। ये मैंने देखो यार पूरा सेट वगैरह सब करके रखा है, अगर आपको किसी इसके ऊपर सेट करना है बस आपको इसको ऐसे यू नो लेके जाना, उसके ऊपर ये ऐसे पकड़ के जाके रख दोगे तो काम हो जाएगा। साथ में ये देखो मैंने टैप सेट करके रखा है, आपके पास ये वाला ऑप्शन भी कि आप ऐसे दो बार टैप करोगे या फिर स्वाइप करना है, ये इस तरीके से ये देखो आप, ये उसने आपको बता दिया कि ऐसे ऐसे करोगे, तो कस्टमाइजेशन तो इसमें भर भर के वो वाली बात है। ठीक है, इसको कह देता हूँ क्रॉस, और जल्दी से एक बार मैं आपको खेल के दिखा देता हूँ यार।
आप देख रहे हो, मतलब आई मीन यही किया देखो एयर ट्रिगर के लिए ऑफकोर्स अगर आपको थोड़ा सा यूज़ टू तो होनी पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जब आप एक बार यूज़ टू हो जाओगे तो भाई फिर पबजी खेल रहे हो चाहे यू नो आई मीन अपना कॉल ऑफ ड्यूटी खेल रहे हो, सब में भाई सामने वालों को तो ना मतलब बजा दोगे आप, ऐसी वाली बात है। ये देखो मैंने ये यहाँ पर सेट कर रखा है, ये है तो ये है तो यार देखो ये तो हो गई मतलब यू नो इसमें अपने मतलब नॉर्मल जो तो यार देखो जैसा मैंने आपको बताया काफ़ी यू नो क्विक सा आपको मैं गेम प्ले वगैरह बताने वाला हूँ, तो ये मैंने आपको बता दिया गेम जीनी। ओके सॉरी, ये यहाँ से आप ऐसे करोगे तो गेम जीनी हो गया, यहाँ से आप ब्राइटनेस वगैरह भी यार कर ही सकते हो। ठीक है तो ये हो गया रिकॉर्डिंग का, स्क्रीन रिकॉर्डिंग का सारे आपके पास यहाँ पर ऑप्शन से, स्पीड अप आपको करना है तो यू नो थोड़ा ऑप्टिमाइज़ हो जाएगा वो वाली चीज़ है। तो ये तो हो गई, आप देखो यू नो एकदम क्विक गेम प्ले की बात। आई एम सॉरी कि मैं आपको काफ़ी डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, लेकिन उसका रीज़न भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो देखो एयर ट्रिगर और गेम जीनी हो गया, अब आप यहाँ पर आओ भाई, एनिमेशन देख रहे हो आप। तो यार ये क्या है, ये है इनकी यू नो गेम लाइब्रेरी या फिर अपना बोल दो जो ओके पहले मैं आपको शुरू से बता देता हूँ क्या है। यहाँ पर आप जाओगे तो देखो ये आर्मरी क्रेट है, इसके अंदर आप जाओगे ऐसा बहुत धादु सा एनिमेशन आपको मिलेगा इसको। ओके यार आपको ये ठीक है, ये हम लोग बाद में कर लेंगे, अभी हम लोग यहाँ पर कंसोल पे होते हैं। तो आपके पास मैंने जैसा बताया था ये कस्टमाइजेशन जो है वो तो भर भर के हैं। देखो मैंने क्या किया था, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। मैंने कॉल ऑफ ड्यूटी का एक अपनी प्रोफाइल बना के रखी थी कि भाई मुझे परफॉर्मेंस किसी चाहिए, तो लेवल 3 पे यानी कि टैप परफॉर्मेंस मोड लेवल 3 सेलेक्टेड ऑटोमेटिकली अप्लाई व्हेन। मतलब ऐसा नहीं है कि देखो आपको पता है भाई कि जब मैं गेम खेल रहा हूँ मुझे कोई डिस्टर्बेंस चाहिए नहीं, भाई किसी का फ़ोन आ रहा है मेरे को उठाना ही नहीं है, तो उस केस में क्या आप ये वाले सारे यू नो मतलब हमें सब कुछ ये कर दोगे कि भाई सारा का सारा यार पावर यहीं पर ही चाहिए मुझे। तो ये तो देखो परफॉर्मेंस का हो गया लेवल 1 लेवल 2 एंड लेवल 3, यहाँ पर ये बता रहा है कि भाई इस वाले में टेम्परेचर आपका बढ़ सकता है। ठीक है पर ये जो है फ़ोन है मतलब आई मीन ना इसमें प्लीज़ यूज़ दिस मोड विथ एरो एक्टिव कूलर फैन, जो मैंने आपको बताया था अटैचमेंट जिसके बारे में हम लोग अभी आगे बात कर लेंगे, तो ये वो है। ठीक है तो यहाँ पर और ये ऐसा नहीं है आपको हर बार करना पड़ेगा, एक बार कर दिया भाई ओके। सेम ऐसी नेटवर्क से रिलेटेड आपको भी क्या करना है कि यार 5G फ़ोन है ऑफकोर्स ये, तो जब नेटवर्क 5G आ जाएगा तो आपको किस तरीके से सेट करना है वो कर लो। परफॉर्मेंस डिस्प्ले वही स्क्रीन रिफ्रेश रेट आपको क्या रखना है, जैसे मैंने 144 रख के रखा था, ये आपने एक बार सब सेट करोगे और ये हमेशा के भी है, इसकी ओके रिपोर्ट होगी जब तक आप चेंज नहीं करते हो। ठीक है ऐसे आप हर एक गेम के लिए तो सारे गेम्स के लिए कर सकते हैं जो भी आप इसमें इंस्टॉल है, और ये हमेशा रहेगा। यहाँ पर आओगे तो देखो यार ये एक्स मोड जो मैंने बताया था, तो आपके पास ना यहाँ पर देखो अलग अलग इन्होंने मोड दिए हैं जिसको आप ऑफकोर्स एडिट भी कर सकते हो। तो यार यहाँ पर ये आप देखो आपको अलग अलग मोड्स मिल जाएंगे, इसमें क्या है यार आप अपने हिसाब से ना इनको सारे को कस्टमाइज़ भी कर सकते हो। जैसे देखो यहाँ पर मैंने सेट करके रखा है ये सब मीडियम पे थे भाई, मैंने टेम्परेचर कंट्रोल हाई, CPU परफॉर्मेंस हाई, GPU परफॉर्मेंस हाई, सबको मैंने अपने हिसाब से भी सेट करके रखा है, यानी कि जब भाई मुझे गेम जब खेलना है तो मुझे कोई किसी टाइप का डिस्टर्बेंस चाहिए नहीं, जो भैया फ़ोन मुझे बेच सकता है वो वाली चीज़ में। और ये मैं आपको बहुत यू नो एकदम जल्दी जल्दी नॉर्मल तरीके से बता रहा हूँ, वरना अगर आप खुद से अब देखने जाओगे तो आपके पास बहुत ही सारी चीज़ें हैं, मतलब आप स्क्रीन रिफ्रेश रेट, FPS कितना चाहिए, सारी सब कुछ यार कंट्रोल कर सकते हो। ये टोटली आपका कॉल रहेगा ये कैसे करना है, और एक बार आपने जब सेव कर लिया तो भाई देखो ये सारा अपने आप हमेशा सेव रहेगा। तो यार ये हो गया जैसा, और मैंने आपको ऑलरेडी बोला है कि अभी मैंने पूरा प्रॉपर गेम प्ले नहीं बताया है। गेम जीनी में आप यहाँ पर जाओगे तो देखो आपको FPS भी दिखा रहा है, ये तो देखो गेम जीनी बता दिया आपको मैंने, एयर ट्रिगर्स के बारे में बता दिया, ठीक है जो आर्मरी है ये यहाँ पर इसके बारे में भी बता दिया। अब डिज़ाइन पे आते हैं, तो यार अब सीधे ना हम लोग डिज़ाइन की बात करेंगे, क्यों, क्योंकि यार ये देखो इसमें ना पीछे आप जैसे इसको चार्जिंग पे लगाओगे लाइट आपने देखी यार, ये देखो मैं आपको ऐसे करके एक काम करता हूँ, इसको मैं ऐसे रखता हूँ एकदम, ये देखो आप कि यार लाइटिंग का एनिमेशन है, और ये अगेन ये भी कस्टमाइज है, आप इसको भी कस्टमाइज कर लो कोई दिक्कत नहीं, जैसे आप चार्जिंग पे लगाओगे और आपकी चॉइस है, अगर आपको इसको नहीं रखना है तो आप इसको बंद भी कर सकते हो, ऐसी वाली बात है। तो आप पीछे अगर आओगे तो आप देखो आपको यू नो आई मीन ये जो इनका लोगो है वो तो देखने को मिल ही रहा है, आगे आपको डिस्प्ले बता दिया। देखो एक बहुत छोटी सी चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगा पर्सनली मुझे लगी, जो बेजल्स है ना यार वो ये वाली और ऊपर वाली ये और थोड़ी कम होती तो यार मतलब मज़ा आ जाता। एक काम करते हैं एक बार मैं आपको ना ऐसे थोड़ा वाइट, हाँ जी अब आप देखोगे तो यार आपको लगेगा कि यार बेजल्स ना ऊपर और नीचे वाली साइड पे थोड़ी ज़्यादा है, ये कम हो जाती तो और मज़ा आता, साइड की है लेकिन उसको इग्नोर कर दो, लेकिन यार ये वाली जो है ना ये अगर कम होती ना मुझे थोड़ी ज़्यादा लगी, ये वाली बात है। इसके अलावा अभी जैसे मैंने आपको बताया 144 पे सेट है, तो यार 144 स्क्रीन रिफ्रेश रेट, और यू नो यहाँ पर एक बार मैं आपको बस दिखाया था, ऐसा कोई कंपैरिजन नहीं है, बस मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसको इसमें भी 144 है, अभी 90 हर्ट्ज़ पे सेट है, 144 पे आप थोड़ा सा एक जजमेंट यू नो लगा सकते हो कि यार कितना फ़र्क पड़ता है 144 और 90 में, आप देखो
ठीक है, कमेंट करके बता देना कि आपको जो अंतर है या जो डिफरेंस है वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, अब आ जाता है डिज़ाइन के ऊपर भी बात होगी। यहाँ पर आगे या देखो कैमरा था मैंने बता दिया, यहाँ पर आपको स्पीकर मिलेगा, नीचे देखो 3.5 mm जैक भैया साफ साफ दिख रहा है, इधर भी आपको USB टाइप सी मिलेगा, इधर भी आपको USB टाइप सी मिलेगा। और जो यू नो मतलब आई मीन ड्यूरिंग द फोन के सेटअप में मुझे जो इनकी साइड से मैसेज आया था वो ये था कि आपको भाई चार्जिंग के लिए ये वाला यूज़ करना है, ये जो अपन इसके जो अटैचमेंट लगाते ना उसके लिए यूज़ होगा, ऐसा आप ये भी यूज़ कर सकते हो लेकिन उन्होंने बोला ये रिकमेंडेड है। और ये यहाँ से भी इसका दूसरा अटैचमेंट ऐड होता है, ऊपर कुछ नहीं है, बैंड्स आपको दिख जाएंगे। इधर वाली साइड पे पावर बटन है और इसमें भी देखो इन्होंने डिटेलिंग का ऊपर काम किया, रेड कलर का थोड़ा सा यहाँ पे इन्होंने शेड दिया है, और ऊपर इसके वॉल्यूम बटन है। जो एयर ट्रिगर है वो गेम में नहीं, वो आपको यहाँ पर भी, जैसे देखो यार मैं आपको बताता हूँ, अगर आप इसको ऐसे सॉरी एक्स मोड मान लो आपको एक्टिव करना है तो आप क्या करोगे, इसको ऐसे करके रखोगे, ये देखो एक्स मोड ऑफ एक्स मोड ऑन, और शॉर्ट प्रेस करोगे तो ये ऑफकोर्स कस्टमाइजेबल है, ये आपके ऊपर है आपको उसको कैसे रखना है, ये वाली चीज़ है। लॉन्ग प्रेस पे मैंने यार देखो करके रखा था कि भाई एक्स मोड ऑन ऑफ हो, तो ये एक्स मोड मेरा ऑफ हो गया, और शॉर्ट पे ये गूगल असिस्ट आ गया। और ऑफ कोर्स अगेन जैसा मैं आपको हमेशा बोलूँगा भाई कस्टमाइजेशन तो इसमें बहुत ही सारे, तो ये वाली चीज़ आपको होगी, ये आपको कहाँ मिलेगा ये भी मैं आपको बताता हूँ। सेटिंग में जाना, उसके बाद सीधे आपको जाना है एडवांस, एडवांस के बाद यहाँ पर आपको जेस्चर्स में, ये देखो इतने सारे जेस्चर्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। उसके अलावा एयर ट्रिगर में जाओगे तो यार ये देखो स्क्वीज़ का आपके ऑप्शन है, शॉर्ट पे आप गूगल असिस्ट, फ्लैश लाइट, डू नॉट डिस्टर्ब, काफ़ी सारे ये स्क्रीन रोटेशन, एक्स मोड, जो भी आपको रखना है आप रख सकते हो। और लॉन्ग पे ये तो इन्होंने बताया कि आपको कितना हार्ड उसको प्रेस करना है, कैसे थोड़े से भी सेट कर लोगे तो चलेगा, लेकिन ये टोटली यू कॉल कि आपको कहाँ पर सेट करना है, ऐसी वाली चीज़ है। ठीक है, तो देखो ये भी मतलब यू नो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद एक बार जल्दी से यार यू नो इसका जो डिस्प्ले है उसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ एक वीडियो प्ले करके। सो आप देखोगे तो यार डिस्प्ले यू नो मतलब आपको एक बार वीडियो जो 4K वीडियो मैंने इसमें प्ले कर दिया था, तो जो भी सबसे हाईएस्ट रेजोल्यूशन अवेलेबल था मैंने वो वीडियो पे प्ले किया है, आप देख सकते हो। पिंच इन भी करके दिखा देता हूँ यार मैं आपको, देखो आप ज़रा और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको इसका डिस्प्ले कैसा लगा। और डिस्प्ले के कलर्स भी कैसे लगे ये भी आप मेरे को बता सकते हो। यहाँ पर भी आप बेजल्स को देख सकते हो यार, ऊपर नीचे आपको थोड़ी बहुत यू नो ज़्यादा यहाँ पर लग सकती है, ऐसा है। तो ये तो हो गई यार देखो डिस्प्ले के लिए जो बात थी। अगेन 6.78 इंच का HDR प्लस डिस्प्ले जो 144Hz स्क्रीन रिफ्रेश रेट के साथ है, AMOLED डिस्प्ले है ये भी मैं आपको बता दूँ। तो देखो यार डिस्प्ले के बारे में भी यू नो आप अपना कमेंट मुझे ज़रूर करके बताना। तो डिस्प्ले की बात हो गई है यहाँ पर, अब बैटरी पे आ जाएं। तो यार मैंने आपको चार्जिंग पे तो ऑलरेडी यू नो लगा के बताया था, पीछे एक दो बढ़िया सा जो एनिमेशन होता है वो वाली चीज़ तो थी इसकी। इसके अलावा अब कैमरा के ऊपर भी बात कर लें, 6000mAh की बैटरी, ये सब मैं आपको बता चुका था। कैमरा पे आप आओगे अगर तो यार देखो सबसे पहले तो अभी हमारा यार बॉक्स जो है ना वो बचा हुआ है अनबॉक्स करना, तो शटर स्पीड सही थी एकदम, ये आप देख सकते हैं। मतलब मैं शटर स्पीड के लिए दिखाया था यहाँ पर, ऐसा नहीं कि कैमरा सैंपल के ऊपर हम लोग कुछ बात करने लग जाएं। तो जो मैंने आपको बताया था 8K वीडियो वैसे शूट कर सकते हो आप, देखोगे यहाँ पर आपके पास 8K 4K 60fps 4K FHD 60fps FHD और उसके अलावा HD का ऑप्शन यहाँ पर आपके पास अवेलेबल था। ठीक है, उसके अलावा दूसरे जो ऑप्शन है स्लो मोशन आपको मिल जाएगा, टाइम लैप्स आपको मिल जाएगा, वीडियो मैंने आपको दिखा दिया, फोटो है, पोर्ट्रेट भी आपको दिख जाएगा, पैनोरोमा एंड मोर में आप जाओगे तो यहाँ पर मोशन ट्रैकिंग, प्रो वीडियो मोड भी है, प्रो मोड अलग से, मैक्रो भी आपको मिल जाएगा, नाइट विजन भी है। प्रो वीडियो में आप देखोगे यार आपके पास काफ़ी सारे अगेन कस्टमाइजेशन, चलो यार गेमिंग के अलावा यहाँ पर तो आपको कैमरे में भी कस्टमाइजेशन मिल रहा है, और अगेन ये आपको जो प्रो मोड है इसमें यही वाले सारे ऑप्शन होते हैं। पोर्ट्रेट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। कैमरा सैंपल्स की हम लोग क्यों बात नहीं कर रहे हैं उसका रीज़न अगेन आपको पता है कि यार दिस इज़ नॉट द यू नो आई मीन फाइनल यूनिट, बट बिलीव मी अगर ये वाली यूनिट इतनी अच्छी तो हो सकता है फाइनल यूनिट और भी यू नो बेटर ऑप्टिमाइज हो, वो वाली बात है। तो ये हो गया कैमरे के यू नो आई मीन UI के बारे में। सेटिंग में एक बार आप चल जाओ तो देख लो यहाँ पर ये 64 के लिए आपको यहाँ पर अलग से सेट करना पड़ेगा, डिफ़ॉल्ट सेट नहीं होता ये है। इसके बाद टाइमर है, फ्लैश लाइट, ये तो ठीक है यार, AI सी एनहांसमेंट आपको ऑन रखना है नहीं रखना, डिटेक्शन, वाटरमार्क हो गया, फिर मोशन ट्रैकिंग के लिए हो गया, यार ये जो सारे ऑप्शंस होते हैं मतलब ये वही वाले हैं। एक बार सेम मैं वीडियो में जाता हूँ, सेटिंग्स में जाता हूँ, यहाँ पर भी आप देख लो तो सेम जो रेजोल्यूशन वाली चीज़ है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो यार देखो हमने कैमरा की बात कर ली, गेमिंग की भी बात कर ली है, सो अब जल्दी से एक बार यार इसको रख देता हूँ मैं यहाँ पर और बॉक्स को भी देख लेते हैं कि यार आखिर भैया बॉक्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो जैसे ही खोलेंगे आप देखो ये था, इसके बाद
सबसे जो तोड़ चीज़ थी वो है ये, मतलब सब कुछ ही तोड़े लेकिन ये इसका सिम देख रहे हो आप, ये भी है, इतने स्टाइलिश दे दिया इन्होंने, ऐसे थोड़ा होता है, हर चीज़ में स्टाइल है क्या। इसके बाद इसको रख देते हैं साइड में, ये तो यार देखो जो स्टिकर्स हैं इसके ये वो हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर ऐसा कुछ, मतलब ROG के अलग अलग जो है वो वाले स्टिकर्स हैं, आपको चाहिए हो तो कमेंट कर दो, मैं आपको दे दूँगा ये, ठीक है। इसके बाद ये देखो यार आप, इसका जो यू नो एकदम बढ़िया वाला पैक कवर ये रहा, और इसकी जो खासियत वो ये है कि देखो जो मैं आपको यू नो लाइटिंग वाइटिंग का इफेक्ट बताया ना, ये इसके ना ये सब छुपाएगा नहीं, ऐसा है। तो आप ये देखो यार, ये लगने के बाद भी ना आपकी जो स्टाइल है वो एकदम बनी हुई रहेगी और फ़ोन जो है वो प्रोटेक्ट भी हो जाएगा, और इससे ना ग्रिप भी यार बेटर हो गई है, मतलब ऐसा नहीं कि पहले कुछ स्लिपरी थी ऐसा, लेकिन थोड़ी सही हो गई। तो एक बार ये देखते हैं कि कवर लगाने के बाद अपना ओके ठीक है, हाँ ऐसा कुछ नहीं है, ये भी देखो आराम से चल रहा है जो अपने स्क्वीज़ वाला यू नो एयर ट्रिगर वाली चीज़ है। तो ये तो हो गया यार कवर का। तो देखो बॉक्स में आपको ऑफकोर्स यहाँ पर नीचे अगर आप देखोगे तो साथ में अगर आप इसको यू नो इसको ऐसे नीचे यहाँ से और निकालते हैं थोड़ा सा, हाँ तो ऑफकोर्स ये इसका जो ब्रिक चार्जर है वो मिलेगा, यहाँ पर इसकी चार्जिंग केबल थी ये मेरे पास यहाँ पर रखी, क्योंकि मुझे आपको पीछे की जो ढिंचैक लाइट थी वो दिखाई थी। तो ये USB Type-C टू USB Type-C, और इसके ऊपर भी आपको ASUS की ब्रांडिंग दिख जाएगी। तो ये तो थे इसके बॉक्स कंटेंट, फ़ोन के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। अब आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको इसके आने वाले टाइम पे कौन से वीडियोस देखने हैं, और ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा, काफ़ी कुछ डिटेल में मैंने आपको बताया, अगर मैंने कुछ मिस किया हो प्लीज़ मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो। इसके अलावा जो भी वीडियोस देखने हैं मुझे कमेंट कर देना, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दिस प्रतीक व्यास फ्रॉम प्राइस बाबा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।